आप देख रहे हैं अपना समाज। द लेगेसी ऑफ जिनेश्वर महावीर के ऊपर आधारित, जैन धर्म के ऊपर आधारित एक बहुत ही खूबसूरत फिल्म बनी है और इसमें मैंने एक राजा की भूमिका निभाई है। राजा जो समाज में बड़ा ही अच्छा एक मैसेज देना चाहता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि चाहे वो महाभारत हो या रामायण हो, इन सभी सीरियलों में या सभी जो फिल्में भी बनी हैं इनके ऊपर आधारित, उनमें हमारी भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज को दिखाया जाता है। इस शो में भी अपनी भारतीय संस्कृति और भारतीय समाज को दिखाया गया है और
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि थोड़ी बहुत रोचकता सब में होती है, इसलिए फिल्म को रोचक बनाने के लिए कुछ थोड़ी बहुत लिबर्टियाँ भी ली जाती हैं और फिल्म बना के प्रस्तुत की जाती है, उसके बाद हमारे दर्शकों के सामने आती है, हम उसको पर्दे पर देखते हैं। अब हमारे इस शो में जितने भी हमारे टेक्नीशियंस थे, जो हमारे कलाकार थे, सबने बड़ी ही मेहनत से काम किया है और एक अच्छी फिल्म बनाने की कोशिश की है, प्रयास किया है, जिसमें बहुत अच्छा मैसेज है, हमारे धर्म से जुड़ा हुआ, हमारे समाज से जुड़ा हुआ, हमारे मेडिटेशन से जुड़ा हुआ, हमारे खान पान से जुड़ा हुआ, इन सभी चीज़ों से जुड़ा हुआ इसमें एक बहुत ही खूबसूरत मैसेज भी दिया गया। अब ये डिपेंड करता है हमारे दर्शकों के ऊपर, जब वो इस फिल्म को देखेंगे, द जनेश्वर ऑफ द लेजेंड ऑफ द जनेश्वर के बारे में, और उनको कैसी लगती है फिल्म या कैसी नहीं लगती है वो हमारे दर्शक देखने के बाद ही बताएंगे। ये जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अभिनेता ही कलाकार होता है, और कलाकार को जब कोई एक अच्छा कैरेक्टर दिया जाता है तो वो पहले इसके ऊपर थोड़ा सा स्टडी करता है, क्योंकि ये जो लेजेंडरी कैरेक्टर होते हैं, द बिगर देन लाइफ लार्जर देन लाइफ वाले, उसके बारे में जैसे आम जनता में आपने फादर का रोल करना है, दादा का रोल करना है, तो वो तो बड़ा इजीली आप प्ले कर लेते हैं, लेकिन जब कोई कैरेक्टर कोई लेजेंड का कैरेक्टर आपको जब मिलता है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा स्टडी करना पड़ता है और आपको थोड़ा सा सीखना पड़ता है, उसके बारे में थोड़ा सा डिटेलिंग जाननी पड़ती है। और मेरे ख्याल से सभी कलाकार, जितने बड़े कलाकार हैं, वो पहले थोड़ा सा अपने कैरेक्टर को स्टडी करते हैं और उसके बाद हम उसी चीज़ को अपने सुनहरे पर्दे पर देखते हैं। मैं दर्शकों से यही कहना चाहूँगा कि आप एक बार अपने समाज का दर्पण ज़रूर देखें, एक खूबसूरत फिल्म ज़रूर देखें, एक बहुत अच्छी फिल्म महावीर के ऊपर, उसे ज़रूर देखें। बहुत बहुत धन्यवाद। एक्चुअली फिल्म जो है वो जैसा कि बताया पहले भी कि खट्टर का सहस्राब्दी महोत्सव समिति के उसमें बनी है, और खट्टर गच को 1000 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, और खट्टर गच कैसे शुरू हुआ उसको लेके पूरी कहानी है, और हमारे गुरु महाराज की प्रेरणा से हमने ये कहानी बनाना शुरू की है। फिर बीच में कुछ डिस्टर्बेंस आया था जिसको हमने ओवरकम किया, CBFC का कुछ प्रॉब्लम आया था उसको ओवरकम किया, एंड फाइनली द ट्रेलर इज़ इन फ्रंट ऑफ यू एंड द फिल्म इज़ रिलीजिंग ऑन द 19th ऑफ अप्रैल on the great occasion of Mahavir Jayanti. Firstly, Jain समाज ने बैन करने की मांग नहीं की थी। कुछ असामाजिक तत्व हैं, कुछ 4-5 लोग हैं जिनका यही काम है कि हर चीज़ अच्छी चीज़ पे अड़ंगा लगाना कुछ लोगों का काम होता है, जो वो लोग कर रहे थे, लेकिन 99% लोग इस फिल्म को देखना चाहते हैं और ईगरली वेट कर रहे हैं। जो लोग विरोध कर रहे थे वो CBFC भी गए थे कि इस बात को लेके, मतलब इट्स वेरी हास्यास्पद बात है कि कोई भी एक्टर किसी भगवान का रोल नहीं कर सकता। अगर ऐसा होता तो फिर रामानंद सागर ने अगर ये सोचा होता कि राम का रोल कोई नहीं कर सकता तो आज रामायण हम नहीं देख पाते। तो CBFC ने उसी कारण से प्रिकॉशंस लिए, उनको नाम नहीं जम रहा था फिल्म का नाम था पहले द लेगेसी ऑफ महावीर, बाद में हमने CBFC के कहने पे नाम चेंज किया था लेगेसी ऑफ जिनेश्वर। कुछ उन लोगों ने हमसे प्रूफ्स मांगे, हिस्टोरिकल प्रूफ्स उनको हमने दिए और फाइनली फिर उन्होंने हमें सर्टिफिकेट दिए। मैं यही चाहता हूँ कि इससे पहले भी जैनिज्म पे फिल्में बनी हैं, YouTube पे आप देख सकते हैं, लेकिन इतने बड़े लेवल पे ग्लोबली
बीच में मेरे पार्टनर से बात कर रहा था कि हम लोग इसको ग्लोबली रिलीज कर रहे हैं, इट्स अ वर्ल्ड वाइड रिलीज, जर्मनी में, ईस्ट अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में। तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई इस फिल्म को जाके देखे, जैन ही नहीं अजैन भी फिल्म को जाके देखें, क्योंकि इसमें सबके लिए बहुत कुछ है देखने के। थैंक यू। अभी तक जैन समाज के ऊपर पहले फिल्में आई हैं कि ऐसा नहीं कि हमने पहली बार बनाई है, बट फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है कि इस ग्रैंडर पे हम लोग फिल्म बना रहे हैं। और प्रेशर तो कुछ नहीं था, बिकॉज हम लोग वी आर नॉट डीलिंग विद द लाइक काइंड ऑफ एनी काइंड ऑफ माइथो सब्जेक्ट, इट्स अ हिस्टोरिकल इवेंट, सो इस तरह का प्रेशर नहीं था। हाँ, रही बात जहाँ तक कंट्रोवर्सीज की थी, वो अननेसेसरी होती हैं, वो कई फिल्मों को उसका सामना करना पड़ता है, बट वी हैव अ बिलीव इन आवर लीगल सिस्टम जहाँ पे हम केस जीते और उसके बाद हमने CDFC से सर्टिफिकेशन लिया। देखिए, अभिषेक जी का ही ये ड्रीम था, ये फिल्म बननी चाहिए, और उन्होंने ही अपने समाज में योगदान दिया है, और अगर उनका सपोर्ट नहीं होता तो ये फिल्म भी नहीं बन पाती। वी आर सो फॉर्चुनेट कि कल ही हम लोगों की जर्मनी में डील लॉक हुई है। हम लोग इस फिल्म को जर्मनी, स्वीडन, फ्रैंकफर्ट, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका में रिलीज़ कर रहे हैं। थैंक यू। पहले मैं आपको मेरा इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये जो फिल्म बनी है, इसके प्रोड्यूसर अभिषेक बालू हैं, और ये एक हमारी श्री खट्टरगंज सहस्त्राब्दी महोत्सव समिति जो ऑल इंडिया लेवल पे बनी थी, जिसमें हमारे विदेशों के भी सहयोगी हैं, उन सब के सहयोग से और आचार्य श्री जिन पीयूष सागर श्रीश्वर जी महाराज साहब की प्रेरणा से खट्टरगंज का सहस्त्राब्दी महोत्सव होना चाहिए, इसलिए उसको, इस फिल्म को बनाया गया। प्रश्न, एनी क्वेश्चन? नो कंट्रोवर्सी, किसी को कुछ मैसेज देना चाहे? नहीं नहीं, देर वॉज नो कंट्रोवर्सी, देर कैन बी मिसअंडरस्टैंडिंग एंड इट हैज बीन क्लियर, और कोई जरूरत नहीं थी। जो भी आचार्य भगवंत के निर्देश में हमारे टीम ने और प्रोड्यूसर अभिषेक बालू ने और खट्टरगंज सहस्त्राब्दी महोत्सव समिति के अंतर्गत फिल्म बनी है, निश्चित रूप से हर कण, हर उस फिल्म का क्षण, हर बात पूर्ण रूप से शास्त्र आधारित है, आगम आधारित है, दसवेंकालीन सूत्र के आधारित है, किसी की बात में कोई भी मन गढ़ंत चीज नहीं लगाई गई है, इसलिए किसी को भी कुछ भी विचार करने की जरूरत नहीं है। वे इस फिल्म को देखें और देख के उनका अपने आप, उनकी सोच में अगर कहीं कोई माइनस हुआ है वो निश्चित रूप से बदली होगा, क्योंकि चित्रण इतना अच्छा किया गया है और शास्त्र के हिसाब से किया गया है, इसलिए आप इस फिल्म को जरूर देखें। जैन धर्म अति दुर्लभ धर्म है, उस धर्म को सही ढंग से फरमाने के लिए खट्टरगंज परंपरा में हमारे आचार्य भगवंत ने हमारे आगमों के अनुसार जो सही था, जो शास्त्र, उस पूरी सही और शास्त्र प्रमाण को इस फिल्म के द्वारा प्रदर्शित किया गया है कि जैन धर्म कैसे पालना की जाती है, सही साधु कैसे होते हैं, आडंबर क्या होता है, उसका पूर्ण रूप से परिपूर्ण इस फिल्म के द्वारा किया गया है। कहीं भी कोई भी क्षेत्र की एक क्षणिक भी मेल जोल या मनमुटाव या मनगढ़ंत बात नहीं है, ये जो भी है शास्त्र प्रमाण है। समिति से उठाऊंगा, खट्टरगंज के 1000 साल पूरे होने पे जो खड़ा शब्द, खट्टर शब्द पड़ा था, उसको प्रमाणित करने के लिए, उसकी सारी घटना का चित्रण करने के लिए ये फिल्म बनाई गई थी। खरा माने होता है प्योरनेस, प्योरिटी और ट्रुथनेस। तो जो जिनेश्वर सूरी ने शास्त्रार्थ किया था सुराचार्य के साथ, उसमें उन्होंने कैसे सत्य को जीता था, उस पूरा चित्रण इस फिल्म में किया गया है जो खट्टरगंज सहस्त्राब्दी महोत्सव समिति के अंतर्गत बनी है। मैं पूरे मीडिया का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोगों ने एक इस धार्मिक फिल्म के लिए अपना इतना समय निकाल कर आप लोग यहाँ आए,
ताकि एक देश को सही रूप दिखाने के लिए आपके मीडिया ने जो समय दिया उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। द लेगेसी ऑफ जिनेश्वर के बारे में क्या कहूँ, ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ी कहानी है, निशब्द हूँ मैं इस बारे में। खैर, मैं इस फिल्म में वैसे नेगेटिव किरदार कर रहा हूँ, जो सुराचार्य का किरदार है मेरा इसमें, इस फिल्म में बहुत ही ट्विस्ट लाता हूँ मैं, क्योंकि एक फिल्म बिना विलेन के अधूरी रहती है। जैसे इस फिल्म में मानिए जिनेश्वर स्वामी है, अपने वर्धमान सूरी है, ये गुरु शिष्य के बीच अगर कोई इनमें मतभेद पैदा करता है या इन दोनों के बीच कोई खटास पैदा करता है, इनमें झूठ का अगर कोई साथ देता है, या मैं इन दोनों के बीच इनको बदनाम करने पर इतना तुला होता, वह सब तर्क वितर्क है इस फिल्म में, पूरा पूरा शास्त्रार्थ है। और उस शास्त्रार्थ में आखिर में मेरी हार होती है, बिकॉज क्योंकि मैं इसमें नेगेटिव सुराचार्य का किरदार कर रहा हूँ, और ये दोनों इस फिल्म के हीरो हैं जो आज प्रीमियम पर आ नहीं सके, क्योंकि एक तो ये मुंबई में शूटिंग कर रहे हैं अपने जिनेश्वर स्वामी, और दूसरे जो है हमारे मनीष मिश्रा वो हरियाणा में फिल्म की शूटिंग कर रहे हैं, और इन दोनों ने अपना 100% दिया है इस फिल्म में, पूरी मेहनत की है इन्होंने इस किरदार के लिए, अपने हाव भाव, जहाँ तक कि चाल, कैसे उठना चाहिए, कैसे बैठना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, और इन्होंने इस किरदार को जिया है, अपने अंदर उतारा इस किरदार को, ताकि दर्शकों के सामने जब ये फिल्म पर्दे पर आए तो वाकई में ऐसा लगे कि कोई फिल्म बनी है जिसके लिए इतनी पूरी अपनी मेहनत की। बस मैं चाहूँगा दर्शकों से कि वो इस फिल्म को देखें, इस महावीर जयंती पर इस फिल्म को प्रतिसाद दें, इसको सराहें, क्योंकि ये फिल्म वाकई में बहुत अच्छी फिल्म बनी है, पूरी टीम ने मेहनत की है, और वो फिल्म के माध्यम से आपको इसमें सारी चीज़ें नज़र आएगी। बस यही कहना चाहूँगा, थैंक यू, धन्यवाद। लेगेसी ऑफ जिनेश्वर बहुत बेहतरीन फिल्म बनाई है, और एक फिल्म नहीं है, एक तथ्य जांच परख के बनाई गई होगी। और इस फिल्म में मेरा जो किरदार है वो राजपुरोहित का, जो इस फिल्म में एक महत्वपूर्ण कड़ी है। तो हम ये चाहते हैं कि आप सब इस फिल्म को देखें और इससे जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ लें, जो कि आज के समाज के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। थैंक यू। सबसे पहले जो फिल्म का कैनवास है वो काफ़ी बड़ा है, एंड मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि उस कैनवास को मैं मेरे म्यूज़िक से कैसे कोपअप कर पाऊँ या फिर एलिवेट कर पाऊँ, एंड वहाँ पे बहुत हेल्प मिली हमारे डायरेक्टर्स की, हमारे क्रिएटर्स की। सो एंड हमने काफ़ी लाइव चीज़ें की है इसमें, कोरस किए, सितार किए, फ्लूट लाइव किया हमने। सो एक बहुत फुलफिलिंग साउंडस्केप क्रिएट किया हमने, जो कि इसको यू नो इस विजुअल्स को कॉम्प्लीमेंट कर पाए, आई कैन नॉट से कि उसको ओवर पावर कर पाए, बट डेफिनेटली कॉम्प्लीमेंट तो करेगी, इतना मैं कह सकता हूँ। थैंक यू। बहुत ही सुंदर फिल्म बनाई है, बहुत ही खूबसूरत बनी है, और जैसे कि आपने ट्रेलर देखा होगा अंदर, तो फ्रेम्स और स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी की हुई है, सारे एक्टर्स ने काम अच्छा किया है, बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसे देखें, और जितना देखेंगे उतना हमारे लिए अच्छा है, फिल्म के लिए अच्छा है, इस कल्चर के लिए अच्छा है। ये कल्चर दिखाने के लिए बहुत मेहनत की है डायरेक्टर ने, राइटर ने, सब लोगों ने। सो मेरा कहना बस ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग के बारे में लोगों को पता चले और ये फिल्म देखें, बस। थैंक यू। हालांकि सभी लोग बोलते हैं, लेकिन इस मूवी में सबसे स्पेशल चीज़ ये है कि आध्यात्मिक है और सामाजिक है, बहुत कुछ धर्म को बनाने के लिए बहुत कुछ लोगों के ऊपर बीतती हैं चीज़ें, तो वो बहुत कुछ सीखने के लिए नई पीढ़ियों के लिए खासकर, तो ये मूवी देखें 19 अप्रैल, और स्टार्टिंग मेरे कैरेक्टर से ही होगी, ऋषभ देव कैरेक्टर किया है, जिन्हें आदि नाथ भगवान के नाम से जाने जाते हैं।
और 24 लास्ट यानी कि 24वें तीर्थकार महावीर स्वामी तक ये स्टोरी है और बहुत कुछ खोया है धर्म को बनाने के लिए। तो प्लीज़ रिक्वेस्ट यू ऑल, आप सब लोग देखें। मेरा इसके अंदर है ऋषभ देव यानी कि आदिनाथ भगवान का कैरेक्टर, स्टार्टिंग जो सबसे फर्स्ट गुरु थे जैन धर्म के, तो उन्हीं का कैरेक्टर मैं प्ले कर रहा हूँ। सो आप मुझे इस मूवी में स्टार्टिंग से मिलेंगे, ओके। ट्रेलर हमने बनवाया है तो हमें पता करना है आप लोगों से कि आप लोगों को कैसा लगा। ये विवेक जी हैं डायरेक्टर, प्रदीप डायरेक्टर डीओ, तो बनाया दोनों ने ही है। तो आप पूछिए, अगर उल्टा हमें आपसे पूछना है आपको कैसे लगा। पब्लिक से जैसा मैंने वहाँ भी बोला था कि ये फिल्म सिर्फ जैनों के लिए नहीं है, ये नॉर्मल पब्लिक के लिए भी है, क्योंकि जैनिज्म में जो बोला गया है जिस तरीके से हमने रिसर्च किया, मैं तो जैन रिलीजन से नहीं हूँ लेकिन जितना हमने रिसर्च किया, जितना हमें सीखने मिला वहाँ से, मुझे लगता है कि नॉर्मल पब्लिक को भी ये सीख मिलनी चाहिए। जब एक कॉन्फ्लिक्ट होता है, आज के तारीख में तो कॉन्फ्लिक्ट का मतलब ये होता है कि कॉन्फ्लिक्ट हो गया, हाथापाई कर लो या वॉर कर लो, हर जगह ये चल रहा है। जैनिज्म आपको क्या सिखाता है, कॉन्फ्लिक्ट पे भी पीसफुली उसको किस तरीके से रिजॉल्व किया जा सकता है। जैसा बोलते हैं ना, आग के साथ आग लगाना ज़रूरी नहीं है। जैनिज्म ये बोलता है कि अगर आग लगा दें सामने वाला तो आप पानी डाल दीजिए उसमें, आप सामने वाले के एग्रेशन में अपना एग्रेशन जोड़िए मत, उसको पीसफुली उसको हैंडल कीजिए, अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखिए और उसे जीत लीजिए। जीतने का मतलब क्या होता है, अगर फोर्स से आपने किसी को जीता, राइट, आप आदमी का फिजिकली जीत सकते हो, आप उसका दिल नहीं जीत सकते। ज़्यादातर जो जैन मान्यता पर आधारित कहानियाँ हैं उसमें सिर्फ भगवान महावीर और उनके जीवन दायरे पर ही कहानियाँ आधारित हैं, लेकिन खतरगच की कहानी पर अभी तक कुछ नहीं बना था। तो खतरगच समिति और खतरगच जो समुदाय है उसमें जिनेश्वर सूरी जो हैं उन्होंने कैसे एक धर्म की राह पे चलते हुए बाकी जो अधर्म है उससे लड़कर एक खतरगच की स्थापना करी, तो खतरगच की ये कहानी ये एक अंश हुई है जिसको अभी तक सिनेमा में सिनेमेटिक पर्दे पर नहीं उतारा गया है। पहली बार इस फिल्म के जरिए हमने ये दिखाया। जी, इस पार्ट में पहले तो सबसे पहले ये दिखाया है कि 1080 में कैसे खतरगच बना था, जैसे कि हर फिल्म का कोई फर्स्ट पार्ट होता है जहाँ पे उसका एस्टेब्लिशमेंट दिखाया जाता है, कैसे उसकी स्थापना हुई, वो एक रोचक कहानी के जरिए। अगर हम इसको डॉक्यूमेंट्री या सिर्फ इवेंट कर देते तो वो एक बोरिंग डॉक्यूमेंट्री लगता है, लेकिन उसको कहानी में बांधना और वो एक कथा है, कथा से उसकी कहानी कैसे बुनी जाती है और बुनने के बाद में उसकी स्थापना दिखाई, उसमें उसी वक्त का हिस्टोरिक, उसमें आज का नहीं है, ये सिर्फ 1080 साल जो है वो उसी विक्रम संवत की तय कहानी, इसीलिए माइथो और हिस्टोरिक ड्रामा है। शुक्रिया, थैंक यू। ट्रेलर से बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है क्योंकि उम्मीद लोगों को जैन धर्म के बारे में आज तक ऐसा कुछ पहले आया नहीं है, कुछ बनाया नहीं है, इसलिए जब ये देखा तो बड़ा साफ़ सुथरा और बड़ा पॉजिटिव मैसेज है इसमें कि हम किसी को बड़ा या किसी को छोटा बताने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, हम केवल ये बता रहे हैं कि जैन धर्म के सिद्धांत क्या हैं और उनकी आज के युग में मान्यता क्या है, तो वो किसी के लिए भी बहुत ही अच्छी बात है, बड़ी पॉजिटिव बात है। इसके लिए सब लोगों को देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई और बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है ट्रेलर का। डन, थैंक यू। हेलो गाइस, मेरा नाम है स्वयं जोशी और ये है अक्षय। हेलो अक्षय, और हम ये कहना चाहेंगे कि ये जो फिल्म है बहुत ही लाइक इसमें मेहनत लगी है, बहुत अच्छे से
सब ने मेकर्स टीम ने और हम सब ने एक्टर्स ने बहुत मेहनत से फिल्म बनाई है और इस फिल्म को हम बोलेंगे कि आप ज़रूर अपने अपने घरों में और थिएटर्स में घरों में नहीं थिएटर्स में 19 अप्रैल को ऑन महावीर जयंती। मेरे कैरेक्टर का नाम श्रीधर था और इसका नाम था श्रीपति। हम दोनों यंगर रोल प्ले कर रहे हैं भगवान के, सो डेफिनेटली आप देखिएगा और बताइएगा कि कैसी लगी मूवी और हमारी एक्टिंग कैसी थी वो भी बताइए।